अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा CSS। मैं हूँ सकलैंत जमल और आज है जुमा और आज हम बात करेंगे जीके के टेस्ट के हवाले से। ADFA का रिजल्ट आ गया है और काफ़ी सारे लोग पास हो गए हैं, कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं वो पीछे रह जाए या फिर उनको तैयारी छोड़ देनी चाहिए, उनको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए। और इसी हवाले से आज का टेस्ट है। तहसीलदार के टेस्ट में जो जीके का पोर्शन है उसमें वैसे तो MCQs बेस्ड है, लेकिन उसमें एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, एक मेजर पोर्शन है कंप्यूटर का। सो आई थॉट के उसके ऊपर भी वीडियोस बनानी चाहिए। अब यही होगा कि एक दो जीके की वीडियोस के बाद तीसरी वीडियो जो है आपको स्पेसिफिकली कंप्यूटर के हवाले से भी मिलेगी। तो आज की वीडियो जो है कंप्यूटर के हवाले से है, कंप्यूटर के 50 MCQs होंगे। तो आपको पता ही है कि अब आपने अपना क्लिपबोर्ड और पेपर लेके बैठना है और उस पर 1 से 50 तक नंबरिंग करने। और अभी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आपने उनके ABCD करके जवाब लिखते जाना है और एंड पे आप अपने जवाब मैच कर सकते हैं और उसमें फिर कमेंट्स में मुझे बता देना है कि आपके मार्क्स कितने बने हैं, सो दैट आई कैन सी कि आप काम कर रहे हैं या नहीं, आप कौन से एरियाज में वीक हैं और आप हेल्प किस में चाहिए। सो आई होप कि दीज वीडियोज विल बी हेल्पफुल फॉर यू। लेट अस गेट इनटू द टेस्ट फॉर टुडे। जी, तो हमारे पास आ गया है टेस्ट जो कि है कंप्यूटर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अ लाइट सेंसिटिंग डिवाइस, लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म इज डैश। तो इनमें से कौन सी डिवाइस है जो कि ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट या फिर दूसरी चीज़ों को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, उसका आंसर लिख लीजिए। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट, FTP, SMTP, टेलनेट या SNMP, कौन सा प्रोटोकॉल है? ये ऑब्वियसली अब कंप्यूटर साइंस की टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आना है सो यू डोंट हैव एनी चॉइस बट टू डू दीज थिंग्स। इनको रट्टा मार लें, इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाई डैश, किसने बनाया था जी? उसका आंसर लिख लें ABCD में से। इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट वी आर एंट्रिंग अ फॉर्मूला इन अ सेल वी मस्ट बिगिन विद एन ऑपरेटर सच एज, कौन सा ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं जब हम एक्सेल को बता रहे हों कि हम एक फॉर्मूला लिखने लगे। देन वी हैव इन हाउ मेनी जनरेशन अ कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन हैं? 2, 3, 5, 8, कितनी? नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन डैश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंस, सिस्टम नॉलेज, VVLSI, कौन सी टेक्नोलॉजी है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी, सबसे पहला जो जनरेशन था कंप्यूटर का उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी थी जी? ट्रांजिस्टर, LSI, VLSI या वैक्यूम ट्यूब्स? नेक्स्ट वी हैव माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था? ये इनमें से ऑप्शन देख लीजिए। नेक्स्ट वी हैव सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, LSI, VLSI। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, तो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी का आपको फर्क पता होना चाहिए और इनमें से देखिए कि कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है या फिर सारे ही वोलाटाइल है, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव GUI स्टैंड फॉर डैश, तो GUI किसका मुखफ्फ है? एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इन टू द मेमरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज डैश, जो भी हम डाटा एंटर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट या इंफॉर्मेशन? टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज डैश, एग्जीक्यूशन, डिले टाइम, रियल टाइम या वेटिंग टाइम? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज एज अ मेमरी डिवाइस इन कंप्यूटर्स, कौन सा सर्किट है जो कि मेमरी डिवाइस के तौर पर यूज होता है? द मेमरी साइजेस इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर आर एक्सप्रेस्ड एज डैश, तो मेमरी साइज मेन फ्रेम कंप्यूटर में किस तरह से या फिर एडवांस्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में किस तरह से एक्सप्रेस किए जाते हैं? बाइट्स, किलोबाइट्स, बिट्स या फिर मेगाबाइट्स? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन पैकेज, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन पैकेज नहीं है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? रेड हैट, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अडोब पेज मेकर या ओपन ऑफिस? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है जी? प्लीज पिक एंड चूज एंड राइट योर आंसर। एन एरर इज ऑल्सो नोन एज डैश, एरर को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? बग, डिबग, कर्सर या आईकॉन? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस चीज की एग्जाम्पल है? इन चार में से सही ऑप्शन देखिए।
हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर किसने इजाद किया था जी? सेमोर क्रे, जे एच वैन टेसल, चार्ल्स गिन्सबर्ग या फिर चार्ल्स बैबिज। ठीक है जी, और मेरा गला खराब है तो साथ साथ मैं पानी पीता रहूंगा, उससे आपने परेशान नहीं होना। चलें जी, ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर एट्सेट्रा आर कॉल्ड डैश। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज? कौन सा है जो कि मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज का एडवांटेज नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22। 23 पे आते हैं जी। द जीरोज एंड वंस इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और डैश। क्या कहते हैं इनको जी? द साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क इज डैश। कितना साइज होता है जो कि कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क है? खैर, फ्लॉपी डिस्क आजकल तो यहाँ के बच्चों को तो शायद इल्म भी नहीं होगा या उन्होंने कभी यूज़ नहीं की होगी। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, शुरू में आती थी, तो काफ़ी मज़े की चीज़ है। इफ़ यू गेट टू नो द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जस्ट राइट द आंसर। आजकल शायद आपने ना देखी हो, बट स्टिल यू शुड नो अबाउट इट। द आईसी चिप यूज इन कंप्यूटर्स इज मेड अप ऑफ डैश। किस चीज़ की बनी होती है जी आईसी चिप? नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय IBM। IBM जो कि कंप्यूटर कंपनी है, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है जी? OS/2, विंडोज, डॉस या यूनिक्स? नेक्स्ट वी हैव द प्रोसेसर विच परफॉर्म्स अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड डैश। इनमें से कौन सा ऑपरेटर है या फिर प्रोसेसर है जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस पे काम करता है या फिर उन पे काम करता है? अच्छा जी, विच वॉज एन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर? इनमें से कौन सा एक अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर है जी? यूनिक, फंट्रिया, फंट्रिया और ब्रेनिया या फिर एनियक? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटेल लोकेटेड? इंटेल जो कि आपके ये प्रोसेसर्स वगैरह बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं कंप्यूटर्स की या लैपटॉप्स की, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? रेडमंड वाशिंगटन, ट्यूसॉन एरिजोना, सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया या फिर रिचमंड वर्जीनिया? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर प्रोड्यूस्ड? सबसे पहला जो इंटेल प्रोसेसर था वो कौन सा था? उसका नंबर लिखिए। विंडोज सेटिंग्स आर रिकॉर्डेड इन डैश। विंडोज की सेटिंग जो है वो कौन सी कमांड में या फिर कौन सी फाइल में रिकॉर्ड की जाती है? इनमें से करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब कीजिए। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल? कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज किया जाता है ईमेल भेजने के लिए? When was the first email sent? सबसे पहली ईमेल कब सेंड की गई थी? मेल जो है, वैसे हम कहते हैं उसको जो खत वगैरह भेजते हैं, जो जनरल मेल होती है, ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, वो सबसे पहली दफ़ा किस सन में भेजी गई थी? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप के सॉफ्टवेयर की मोस्ट कॉमन टाइप है? कम्युनिकेशन एप्लीकेशन सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कौन सा? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसके आगे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं जी, इनमें से फिर आगे आप वन ओनली, टू ओनली, थ्री वन एंड टू वगैरह इंतखाब करेंगे। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस, स्टोर डाटा, परफॉर्म कंपैरिजन, कम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइसेस फ्रॉम अबव, कम्युनिकेट विद द इनपुट डिवाइसेस। ठीक है जी, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं। इस सारे में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है उसको देखिए। देन वी हैव रैम चिप्स। रैम चिप्स क्या होती हैं? अलाउ द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा इलेक्ट्रॉनिकली या क्या? इन चार ऑप्शन में से देख लें क्या करेक्ट आंसर है। सुपर कंप्यूटर्स आर मेनली यूज फॉर डैश। सुपर कंप्यूटर्स किस चीज़ के लिए यूज होते हैं? मैथमेटिकल इंटेंसिव, साइंटिफिक एप्लीकेशंस, डाटा रिट्रीवल ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग या ऑल ऑफ द अबव? द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस डैश। ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ को मैनेज करता है जी? मेमोरी को, प्रोसेसर को, डिस्क या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव? कौन सा ऑप्शन है? विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल एंड मे बी रिटर्न ओनली वंस? कौन सी मेमोरी ऐसी है जो कि नॉन वोलाटाइल होती है और उसको सिर्फ आप एक दफ़ा ही लिख सकते हैं, वो उसके बाद इरेज नहीं आप कर सकते या फिर उसको चेंज नहीं कर सकते? तो करेक्ट ऑप्शन अपने कॉपी पे लिख लीजिए। द मेमोरी
विच इज़ प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इज डैश, ऐसी मेमोरी जिसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आप प्रोग्राम कर देते हैं उसको आप क्या कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलाटाइल, अगेन इनमें से वोलाटाइल मेमोरी का इंतखाब करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट इनमें से क्या होगा, सीपीयू, मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क, वीडियो टर्मिनल या सेंसर्स, मैकेनिकल कंट्रोलर्स एक्सेट्रा। अ किलोबाइट ऑल्सो रिफर टू एज के बी इज इक्वल टू डैश, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं जी। विच इज़ द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट इन टू ए फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ टेलीफोन लाइन, कौन सी डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के आउटपुट को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि टेलीफोन लाइन के ऊपर भी आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज इन लैन, लैन के अंदर कौन सी चीज़ यूज नहीं होती, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, तो उसमें से कौन सा कंपोनेंट या कौन सी चीज़ यूज नहीं होती। रॉम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड डैश, रॉम जो है उसको हम यूज करते हैं इनिशियल प्रोग्राम जिसको आप क्या कहते हैं। कंप्यूटर वायरस इज अ डैश, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बैक्टीरिया, फ्रीवेयर या क्या। EEPROM stands for dash. EEPROM जो है इसका मतलब क्या है। Next we have the most advanced form of ROM is dash. सबसे advanced ROM जो है वो कौन सी है। And last question is another term for main memory is called dash. Main memory के लिए दूसरा word हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, hard disk, ROM, floppy या RAM। तो ये थे जी आज के 50 MCQs, उम्मीद है आपने अभी तक इन सब के आंसर्स लगा लिए होंगे। अब हम चलते हैं आंसर की तरफ, आप अपने 50 पूरे कर लें और उसके बाद आंसर की देखिएगा। एंड हेयर इज़ द आंसर की, यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड जस्ट चेक योर टेस्ट, और मैं वेट करता हूँ। तो आई होप के आपने पॉज करके इस आंसर की के मुताबिक अपना टेस्ट चेक कर लिया। आपके कितने क्वेश्चंस बनते हैं या कितने आपके आंसर ठीक हैं, जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट्स। अपने मार्क्स जो हैं वो वहाँ पे लिख दीजिए, और मज़ीद वीडियोस के लिए मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि तैयारी कर रहे हैं ADFIA वाले आने वाले किसी टेस्ट के लिए या फिर तहसीलदार वगैरह के टेस्ट के लिए, ताकि उनको इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सके। एंड मेरा गला ख़राब है लेकिन आई कीप ब्रिंगिंग यू मोर वीडियोस, स्टे ट्यून्ड फॉर दोज एंड आई सी यू अगेन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।